और अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीज पर 200 करोड़ रुपए की ठगी मामले में रेगुलर जमानत पर शुक्रवार यानी कि आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में उसका फैसला है। अगर जमानत याचिका खारिज हो जाती है तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। गुरुवार को कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। अभी एक्ट्रेस को अंतरिम जमानत मिली है जो कि 10 नवंबर को खत्म हो गई है। कोर्ट में ईडी ने दलील दी है कि जैकलिन आसानी से देश से भाग सकती है क्योंकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, उन्होंने 5 जांच में सहयोग भी नहीं किया है। ऐसे में जैकलिन को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। ईडी के वकील ने यह भी कहा है कि हमने अपनी पूरी लाइफ में 50 लाख रुपए एक साथ कभी नहीं देखे हैं, लेकिन जैकलिन फर्नांडिस ने 7.14 करोड़ रुपए सिर्फ मौज मस्ती में उड़ा दिए हैं। इस पर अदालत ने सवाल किया है कि जब एलओसी जारी हो चुका है तो बाकी आरोपी जेल में है तो अभी तक अभिनेत्री को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। वहीं जैकलिन फर्नांडिस के वकील का कहना है कि अभिनेत्री जांच में पूरा सहयोग कर रही है। बता दें कि गुरुवार को सुनवाई के दौरान एक्ट्रेस भी कोर्ट में मौजूद रही। वहीं आज एक्ट्रेस की और उनके वकील प्रशांत वकील अपना कोर्ट में पक्ष रखेंगे।